आज का दिन मैं बुनियादी तौर पे दो वजूहत से आज नॉर्थ वजीरिस्तान को विजिट करने के लिए चुना हूं। एक कि मैं आपको पता है कि अपनी पोस्टिंग के ऊपर यहां पिशावर से किसी और जगह के ऊपर जा रहा हूं, तो मैंने कहा कि मैंने बाकी कोई भी हो नॉर्थ वजीरिस्तान में मैंने जरूर विजिट करना है और खासतौर पर अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, अपने लोगों से जरूर एक तरफ मुलाकात करनी है जाने से पहले। और दूसरा, आज इसको आप समझें कि इंसिडेंटली ये पाकिस्तान की पैदाइश के 75 साल भी आज मुकम्मल हो गए हैं और इसके ऊपर भी आप सब लोगों को ईरान साहब के और तमाम नॉर्थ पाकिस्तान के लोग जो यहां पे मौजूद हैं और जो यहां पे मौजूद नहीं है उनका भी जरूर पैगाम पहुंचाएं कि आप सब लोगों को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मुबारक हो। मैंने ये जज्बा जो मुझे यहां पे नजर आया है इसको मैं एक बहुत बड़ी तब्दीली कह रहा हूं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मेरा यूनिट की कमान से शुरू करके अभी तक का जितना सफर है कोर कमांडर के तौर पर मुझे कभी किसी जगह की उम्मीद नहीं होती है जिसमें मैं नॉर्थ वजीरिस्तान में आज सफल होता हूं। नॉर्थ वजीरिस्तान वो जगह है जिसको बाहर की दुनिया इसको पता नहीं, जब हम बाहर की दुनिया कहते हैं तो नॉर्थ वजीरिस्तान से बाहर का इलाका इसको पता नहीं क्या समझता था, लेकिन आज वही चीज ये सबूत दे रही है कि नॉर्मल लाइफ नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर आ गई है। और ये नॉर्मलसी या ये नॉर्मल लाइफ के लिए रूटीन पैदा करने के लिए किसी एक तबके ने, किसी एक इदारे ने, किसी एक फर्द ने नहीं काम किया, बल्कि सब लोगों ने काम किया है और सबसे बढ़कर किसी ने कुर्बानी दी है तो नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग खुद हैं। मैं ये बड़े रसूख से और बड़े एतबार से और बड़े इंफॉर्मेशन की बेस पर कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट जो हमारा नुकसान हुआ है, बड़े इंफॉर्मेशन की बेस पर कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट जो हमारा नुकसान हुआ है वो 8,000 लोगों की जाने और 80,000 लोग जख्मी हुए हैं। मैं कहता हूं कि ये नुकसान हमने इन इलाकों को बेहतर करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, पाकिस्तान में इंटीग्रेट करने के लिए, इनको तरक्की और अमन दिखाने के लिए ये नुकसान अगर उठाया है तो हमें उसके ऊपर कोई रिग्रेट नहीं है, हमें कोई अफसोस नहीं है। हम अगर और जाने इसके ऊपर देनी पड़ी तो जरूर देंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला नॉर्थ बलूचिस्तान और इसके बाकी मुलका इलाके और उसके अलावा बाकी जितने फाटा के इलाके हैं इंशाल्लाह ताला वो एक पाकिस्तान का मुस्तकबिल के तौर पर एक तस्वीर पेश करेंगे। यहां पे सारे तबकों के लोग बैठे हुए हैं, फौज भी है, एससी भी है, पुलिस भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल है, लेकिन सबसे अहम तबका जिसको मैं समझ रहा हूं वो आज यहां का नौजवान है। मेरा आपको एक ही पैगाम है कि ये तरक्की और ये अमन का रास्ता जो हमने चूज किया है इसको किसी सूरत में वापस नहीं होने देना। हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, मिलिटेंसी के खिलाफ हैं, हम जो गैर यूनिवी सूरत हाल है उसके खिलाफ हैं, किसी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मैं एज अ कोर कमांडर आपको ये यकीन दिला के कह रहा हूं कि पाकिस्तान का हर इदारा हमारे फाटा के रीजन को डेवलप करने में, इसका अमन यकीन बनाने में, इसकी तरक्की में, इसकी तालीम में, लोगों की सेहत के लिए हर वो काम करेगा जो पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है। आपको इधर उधर की बहुत दाएं बाएं की खबरें मिलती होंगी, मैं आपको दोबारा इस चीज पर बता रहा हूं कि ये जो हमने कुर्बानियां दी हैं, जो हमने रास्ता हमवार किया है, जो हमने तरक्की की मंजिल तय की है, जो हम नॉर्मल हालात पैदा किए हैं, जो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जैसे स्कूल कॉलेजेस और बहुत सारी और चीजें शामिल हैं, ये इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेगी, लोगों के लिए अमन का पैगाम लाएगी, लोगों के लिए तरक्की का पैगाम लाएगी। और उसमें मैं बार बार एक चीज को एम्फेसाइज करूंगा, उस पर जोर दूंगा कि नौजवान तबका पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, नौजवान तबके ने अपने दिल से पाकिस्तान के लिए काम करना है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाएगा, मदद फरमाएगा और ये पाकिस्तान और ये हमारे पुराने फाटा के जरिए एक पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल की निशानी है। मैं आखिरी बात करूंगा, मैं चंद दिन पहले किसी जगह के ऊपर बैठा था
शुरू में एक बात हो रही थी कि हमारा शुमाली वजीरिस्तान, हमारा जनूबी वजीरिस्तान, हमारा जम्मू का फर्स्ट रीजन, हमारा औरंगजेब और खैबर, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एनर्जी हब है। जो हमारी जरूरियात हैं पाकिस्तान को यहां से मिल सकती हैं, उसके लिए हमने हालात पैदा कर लिए हैं। और अगर उस रास्ते भी जिसके लिए हम चले हैं, अगर यही रास्ता हमने अपनाया, किसी और टेररिस्ट को जगह न दी और अमन की खातर आपको कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, तो इंशाल्लाह ताला ये जिले भी तरक्की करेंगे और पाकिस्तान भी कटेगा। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि यौम पाकिस्तान का दिन भी आपको मुबारक हो, आपको अमन और तरक्की भी मुबारक हो और आपका अपना जिला भी मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला मैं जब किसी और में जगह पे किसी और टाइम में यहां पे हूं तो मैं इसको और आगे लाता देखूं। मैं 2004 में जब आया था और आज की तस्वीर देखता हूं तो मैं इस वजीरिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह मेरी 10 साल 15 साल बाद दोबारा चलने लगे तो मैं समझूंगी नाथ वजीरिस्तान को बहुत आगे जा रहा है। और ये सब ये हमारी ग्रुप, ये बच्चे, ये स्कूल के लड़के, ये जो खेलों के मैदान में खेल रहे हैं, सब ये काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला आपको हम भी नाश हो और आपके साथ, आपके जिले के साथ साथ पाकिस्तान भी आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया।